हेलो फ्रेंड्स वेलकम इन डिसिप्लिन टाग आज के वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कल्चर हम जानेंगे इसकी मीनिंग इसके अलावा इसकी करेक्टरिस्टिक्स और कुछ इसके फंक्शंस तो चलिए हम अपने टॉपिक को शुरू करते हैं जैसे कि आ, जो ह्यूमन बिहेवियर हैं इसको कॉमन पैटर्न्स ऑफ कॉमन पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर जिस जिसमें कस्टम्स ट्रेडिशंस एटीट्यूड्स वैल्यूज नॉर्म्स आइडियाज़ जो कि गवर्न करते हैं ह्यूमन बिहेवियर पर सो जो भी मेंबर्स हैं सोसाइटी uh, के वो खाली इन कॉमन पैटर्न ऑफ बिहेवियर्स को अडाप्ट नहीं करते बट जो ये कॉमन पैटर्न ऑफ बिहेवियर होते हैं ये उनके बिहेवियर को शेप करते हैं मोल्ड करते हैं अकॉर्डिंगली सो so, जैसे कि हम मेंबर्स हैं सोसाइटी के बिकॉज ऑफ जो भी हमारे ट्रेडिशंस हैं कस्टम्स हैं जो कि कॉमन हमें देखने को मिलते हैं जो कि पास डाउन हुए हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन जिसे हम प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन कहते हैं सो so, जो भी ट्रेडिशनस कस्टम्स वैल्यूज़ या कल्चर के रिलेटेड हम पढ़ेंगे वो हमारे आ, जो भी एनसस्टर्स थे उनके थ्रू हमें मिले हैं जो कि उन्होंने पास किए हैं आ, हमारे हम तक जो कि हमने अब किए हैं सो so, जो कि कॉमन पैटर्नस और डिज़ाइनस हैं कल्चर के थ्रू जिसके हम कल्चर को अंडरस्टैंड कर सकते हैं एक इंडिविजुअल का एक स्पेसिफिक बिहेवियर हम अंडरस्टैंड करते हैं कर सकते हैं और उसके पैटर्न ऑफ बिहेवियर्स uh, को अंडरस्टैंड कर सकते हैं और उनके सोशल रिलेशनशिप्स को अंडरस्टैंड कर सकते हैं थ्रू कल्चर शुरू करते हैं इसकी मीनिंग से समटाइम्स हम डिस्क्राइब करते हैं किसी भी पर्सन को कि ये हाईली कल्चर पर्सन है क्योंकि उसके कुछ फीचर्स हम उसमें देखते हैं जैसे कि हम उसका स्पीच देखते हैं मैनर देखते हैं इसके अलावा हम म्यूज़िक देखते हैं या पेंटिंग देखते हैं टेस्ट ऑफ लिटरेचर जिससे हम डिस्टिंगश कर सकते हैं कि ये बंदा फ़लानी कल्चर से बिलोंग करता है सो इन द सेंस जो कल्चर हैं ये रेफर करती हैं जिसमें हम कुछ करेक्टरिस्टिक्स देखते हैं एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के सो इन द इन सेंस हम कल्चर को आइडेंटिफाई करते हैं थ्रू एस्थेटिक्स या, या जिन्हें हम फाइन आर्ट्स पर्सन या डांस के थ्रू या म्यूजिक्स के थ्रू डा के थ्रू तो इन सब चीज़ों के थ्रू हम कल्चर को आइडेंटिफाई करते हैं सो so, अगर हम कल्चर को एक स्पेशल सेंस में यूज़ करें इन एंथ्रोपोलॉजी और सोशालोजी में इसे हम रेफर करते हैं सम ऑफ ह्यूमन बींग्स उनकी जो लाइफ वेस हैं उनका सम और उनके जो भी बिहेवियर्स हमें देखने को मिलते हैं इसके अलावा उनकी फीलिंग्स या बिलीफ्स थाट्स जो कि उन्होंने एक्वायर कर किए हैं एज ए सोशल बींग्स सो इसे हम आइडेंटिफाई करते हैं इन नंबर ऑफ वेज जैसे कि Uh, कोई भी डिफरेंस हमें सोशालोजिकल और एंथ्रोपोलॉजिकल डिफिनीशन्स नहीं देखने को मिलते रिगार्डिंग कल्चर अगर हम वन ऑफ द मोस्ट कम्प्रहेंसिव या इम्पोर्टेंट डेफिनेशन बोलेंगे यहाँ पे कल्चर की जिसको uh, जो कि प्रोवाइड की है जो कि एक ब्रिटिश एंथ्रोपोलॉजिस्ट था एडवर्ड टाइलर ने उसने कल्चर को डिफाइन किया है कि जो कल्चर हैं ये कम्प्लैक्स होल हैं जिसमें नॉलेज आती है एक पर्सन की इसके अलावा उसके बिलीफस आर्ट्स मॉरल्स लास्ट कस्टम और अदर uh, कैपेबिलिटीज़ जो कि वो एक्वायर करता है एज ए ह्यूमन मेंबर होता है एक होता है सोसाइटी का so, उसने खाली लास्ट uh, कस्टम्स तक दिया था उसके बाद अदर सोशोलॉजिट अदर राइटर्स ने उसमें कुछ ऐड किया अदर कैपेबिलिटीज एंड हैबिट्स इसका मतलब ये है कि अगर हम लैंग्वेज की बात करें या टेक्निक्स की बात करें फॉर मेकिंग और यूजिंग टूल्स टूल्स को यूज़ करने, करने के लिए जो भी मैन स्किल एक्वायर करता है सो ये इन हैबिट्स एक्वाड बाई है एज अम्बर ऑफ सोसाइटी से रिलेट करता है सो so, जो कल्चर हैं इसमें जो भी लर्नर्ड और नॉर्मेटिव बिहेवियर पैटर्नस होते हैं वो इंक्लूड हैं इसमें सो so, आल uh, जो भी शेयर्ड बेस होते हैं पैटर्नस होते हैं थिंकिंग के या फीलिंग के या डूइंग के वो सब कल्चर में आते हैं सो सम थिंकर्स जो कि कल्चर को खाली इंक्लूड करते हैं नॉन मटेरियल पार्ट्स जैसे कि अगर हम शेंटर लैंड और वुड वर्ड की बात करें वो ये कहते हैं कि जो कल्चर है उसमें खाली एग्जिस्ट करते हैं जैसे कि अगर हम कम्युनिकेशन की बात करें इसके इसका जो कंटेंट है जैसे कि अगर हम सिंबल्स, आइडियाज़ सो ये सब चीज़ें इन्होंने कल्चर में मेंशन किए हैं सो so, जो कल्चर uh, हैं ये एक इमेटीरियल फिनमिना है इनके हिसाब से सो so, जिसका जो मीनिंग ऑफ मैटर है वो मेनली बेसड ऑफान होता है थाट्स पे या मीनिंग्स पे या हैबिट्स पे जो कि हमें विजिबल नहीं देखने को मिलती और जो कि टचेबल भी नहीं है सो so, जो कि मेनली मटेरियल ऑब्जेक्ट्स नहीं होते या मटेरियल थिंग्स नहीं होते सो so, इसमें जो भी मटेरियल और ऑब्जेक्ट्स की मटेरियल थिंग्स और ऑब्जेक्ट्स की बात करें जैसे कि अगर हम हम बात करें ट्रेडिशनल पीरियड की उसमें जो भी ऑब्जेक्ट्स को बनाया गया जो भी ऑब्जेक्ट्स को यूज़ किया गया सो तो वो सब चीज़ें कल्चरल ऑब्जेक्ट्स में हम इंक्लूड कर सकते हैं वाहल अदर इंक्लूड करते हैं कल्चर को एज ए मेजर सोशल कंपोनेंट जो कि सोसाइटी को एक साथ मिल के बनाती हैं एक साथ जोड़ती हैं अनदर ब्रिटिश एंथ्रोपोलॉजिस्ट जिसका नाम है मिलानवस्की वो इंक्लूड करता है कल्चर की डिफिनीशन में वो ये कहते हैं कि जो कल्चर हैं ये इनहेरिटेड थिंग्स हैं या आदि क्राफ्ट्स हो सकते हैं या इम्प्लीमेंट कंज्यूमर गुड्स हो सकते हैं या सोशल स्ट्रक्चर हो सकते हैं सो so, इसके अलावा जो कूली हैं वो अपने डिफिनीशन में ये कहते हैं कि जो एंटायर एक्यूमोलेशन हम एकट करते हैं जो भी हम आर्टिफिशियल ऑब्जेक्ट्स देखते हैं कंडीशंस देखते हैं या टूल्स टेक्निक्स इसके अलावा जो भी आइडियाज़ सिंबल्स इसके अलावा बिहेवियर पैटर्न एनी ग्रुप ऑफ़ पीपल जो कि वो पजेस करते थे सो so, ये सब चीज़ें हम इसमें देखते हैं जो कि कैपेबल uh, रखती हैं एक कल्चर को जो कि ट्रांसमिट uh, हुई हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर सो इसके अलावा कुछ और डेफिनेशन कल्चर के जैसे कि अगर हम मैकलीवर की बात करें वो ये कहते हैं कि जो कल्चर हैं ये एक्सप्रेशन है हमारी मोड्स ऑफ लिविंग का जिस जैसे कि अगर हम अपनी लाइफ स्पेंड करते हैं तो ये हमारी लाइफ का एक टूल है एक्सप्रेशन के लिए और हमारी थिंकिंग के लिए इंक्लूडिंग जिसमें हमारी लिटरेचर आती हैं रिक्रिएशन एक्टिविटीज़ आती हैं और एन्जॉयमेंट आती हैं इसके अलावा अगर हम हॉबल e. की बात करें वो ये कहते हैं कि जो कल्चर हैं ये सम ऑफ इंटीग्रेटेड जो भी हम पैटर्नस ऑफ बिहेवियर से सीखते हैं हमारे दादा पर दादाओं से सो so, uh, जो भी करेक्टरिस्टिक्स रखते हैं एज एज़ वई पीपल या अदर पीपल ऑफ़ ए पर्टिकुलर कम्युनिटी सो ऑफ ए सोसाइटी जो कि रिज़ल्ट uh, जो कि मेनली बेसड अपम नहीं होते बायोलॉजिकल इनहेरिटेंस पे सो so, इसके अलावा एस टी माजूमदार वो ये कहते हैं कि जो कल्चर हैं ये सम हैं टोटल ऑफ ह्यूमन अचीवमेंट्स इसके अलावा मटीरियल थिंग्स एज़ वेल एज़ नॉन मटीरियल थिंग्स जिनके थ्रू कल्चर कैपेबल हैं वो ट्रांसमिट हुआ फ्राम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन सोशालोजिकली जैसे कि आ, अगर हम एग्ज़ाम्पल की बात करें ट्रेडिशनस हमारे या कम्यनिकेशनस जो भी हम लैंग्वेज स्पीक करते हैं जो कि हमारे थ्रू ट्रांसमिट हुए हैं वर्टिकली एज़ वेल एज़ हॉर्जेंटली सो इन्हें डेफिनीशनस को कंबाइन करके हम ये कहते हैं कि जो कल्चर हैं ये टोटल uh, है ह्यूमन अचीवमेंट्स का और uh, जो भी उनकी हेरिटेज है सो so, जो कि ट्रांसमिट हुई है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन या अगर हम लैंग्वेज की बात करें कम्युनिकेशन की बात करें या ट्रेडिशनस की बात करें तो ये सब चीज़ें हमारे तक uh, पहुंची हैं थ्रू कल्चर सो इट इज़ अ वे ये एक ऐसी वे हैं जिस life of people है जिसमें जो लाइफ ऑफ पीपल हैं जो कि बिलोंग करते थे एक जोग्राफिकल एरियाज के जिनके जो लाइफ स्टाइल थे जिनके जो पैटर्न्स आप सोशल पैटर्न्स थे सोसाइटी के जो कि जिनसे हम हम पे डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस देखने को मिलते हैं जो कि एक्मिलेट किए हैं हमारे एनसिसटर्स ने एज अ हेरीटेज सो so, फिर हम प्रेजेंट सोसाइटी को डिस्टिंग्विश करते हैं थ्रू विद द पास्ट और डिफ्रेंश करते हैं हमारी कम्युनिटीज़ को विद अनदर कम्युनिटीज़ सो ये सब चीज़ें हम हमें कल्चर की मदद से ही देखने को मिलती हैं सो so, हम ये कहेंगे कि जो कल्चर हैं ये एक मॉरल और इंटेलेक्चुअल इसके अलावा स्परिचुलल डिसिप्लिन फॉर एडवांसमेंट हमें देखने को मिलता है जिसके थ्रू हमको नॉर्म्स वैल्यूस या एक्यूमलेटड हेरीटेज मिली हैं सो so, इन्हीं चीज़ों को हम इम्पाइब करके जोड़ के हम अपनी लाइफ स्टाइल को हम अपने सोशल पैटर्नस को ग्रुप मतलब बेटर बनाते हैं और आ, इसके अलावा हम अपनी लाइफ स्टाइल्स को डिटरमाइन कर सकते हैं बीइंग ए पार्ट ऑफ ए ग्रुप सो जो कल्चर है ये एक सिस्टम है जो कि लर्नर्ड या शेयर्ड बिहेवियर हम कहेंगे जो कि हम तक ट्रांसमिट हुआ है फ्रॉम थ्रू द मेंबर्स जो कि हमारे इनहेरिटेड या हम कहेंगे दादा परदादाओं से मिला है इसके रिगार्डिंग अगर हम सम समक्टरिस्टिक्स ऑफ कल्चर की बात करें सो फ्राम द अबाउट डेफिनीशंस हम इन्हीं के अकॉर्डिंग uh, इस इनके uh, करेक्टरिस्टिक्स पे बात करें लर्नड बिहेवियर इसका फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है जो भी मोस्ट बिहेवियर्स हमें कल्चर में देखने को मिलते हैं वो मोस्टली लर्नड होते हैं जो कि जिसमें कि सारे बिहेवियर्स लर्नड नहीं होते फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम एग्ज़ाम्पल की बात करें हेयर uh, को काम करना डेली डेली लाइफ में इसके अलावा लाइन में रहना जब कोई आपको काम होगा तो आप लाइन में रहते हैं इसके अलावा जोक मारना या प्रिटिसाइज करना प्रेसिडेंट को इसके अलावा मूवी देखने जाना और मनी थिंग्स जिनके लिए लर्नड बिहेवियर्स जो कि हम सीखते हैं जो कि हम लर्न करते हैं समटाइम्स हम आ, आ, हम टर्म्स को यूज़ करते हैं जैसे कि कॉन्शियस लर्निंग अनकॉन्शियस लर्निंग हम इनसे डिस्टिंग्विश करते हैं बिहेवियर को फॉर एग्जांपल जब स्मॉल चाइल्ड लर्न करता है मतलब अपने फादर को हैंडल करना या अपनी मदर को हैंडल करना जब वो मतलब उस उस पर मतलब एंग्री होते हैं या वॉटर सो so, इसी के थ्रू जो चाइल्ड है स्लोली स्लोली वो हैंडल करना सीखता है रिलेशनशिप्स को अपनी फैमिली के साथ एज वेल एज अदर पीपल के साथ सो so, सम बिहेवियर्स हमें ओवियस देखने को मिलते हैं जैसे कि अगर हम बात करें कि लोग जाते हैं फुटबॉल गेम्स को देखने इसके अलावा या वो जाते हैं लोग जाते हैं फ्रेंड्स के साथ वो फूड खाते हैं या ड्राइव करते हैं ऑटोमोबाइल्स सच है सच जो भी बिहेवियर्स हमें विजिबल देखने को मिलते हैं उन्हें हम ओवर्ट बिहेवियर कहते हैं अदर बिहेवियर्स अगर हम अगर हम अदर बिहेवियर्स की बात करें जो कि लेस uh, बिहेवियर्स होते हैंज़िबल होते हैं जैसे कि अगर हम एक्टिविटीज़ या प्लानिंग करते हैं कल के लिए जिसमें हम मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल किसी के लिए हाइड्रेड uh, मतलब हम अपने दिल में रखते हैं या हम समझते हैं कि कोई हमारा एनिमी है सो so, यह सब चीज़ ये सब सॉर्ट ऑफ बिहेवियर हमें देखने को मिलता है जो कि मेनली कोवर्ड बिहेवियर्स जो कि ओपनली विजिबल नहीं होते हैं जो कि Uh, हम मेनली लर्न uh, करते हैं इसके अलावा जो थर्ड पॉइंट है जो कल्चर है इसका जो कंसेप्ट है वो एबस्ट्रैक्ट हमें देखने को मिलता है जो कि मेनली बेसड अपन होता है आइडिएशन पे सो so, जो कल्चर होता है इसमें एग्जिस्ट करते हैं माइंड्स और हैबिट्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ सोसाइटी और जो भी कल्चर uh, में हम इंक्लूड uh, करते हैं जैसे कि अगर हम वेस ऑफ डूइंग और थिंकिंग हम इसमें इंक्लूड करते हैं सो so, इसके अलावा हम डिग्री देखते हैं विजिबिलिटी ऑफ कल्चरल बिहेवियर जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दी ओवर कोवर्ड बिहेवियर की इसके अलावा हम रेंज करते हैं जो भी एक्टिविटीज़ पर्सन एक करता है और उनके एक्टिविटीज़ का इंटरनल रीज़न हम इसमें देखते हैं सो so, हम मेनली जो हमारा कल्चर है इसको डायरेक्टली हम नहीं देख सकते बल्कि हम इसको देख सकते हैं थ्रू ह्यूमन बिहेवियर के मतलब ह्यूमन बिहेवियर्स के थ्रू हम अपने कल्चर को देख सकते हैं या अदर्स के कल्चर को देख सकते हैं सो so, ये बिहेवियर्स आकर होते हैं ऑन द रेगुलर बेसिस या पैटर्न बेसिस इसे हम रिगार्ड करते हैं एज कल्चर थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स के थर्ड कैरेक्टरिस्टिक की अगर हम बात करें जो कल्चर हैं ये पैटर्न है लर्नर्ड बिहेवियर का सो डेफिनेशन ऑफ कल्चर जो हमने पढ़ी वो इंडिकेट करती हैं कि जो पैटर्न है लर्नर कल्चर का वो लर्नर्ड बिहेवियर से बनता है सो ईच पर्सन जो भी विद इन एनी कल्चर में आता है उसका जो बिहेवियर होता है वो मेनली डिपेंड अपॉन होता है उसकी जो भी पर्टिकुलर बिहेवियर होता है रिगार्डिंग समवन कि कैसे वो एक दूसरे के साथ बिहेव करता है सो so, इसे हम जनरलाइज़ करते हैं कि किसी का मतलब किसी की किसी का बिहेवियर और इस मतलब किसी का अप्रोच टूवर्ड इंटीग्रेटेड अप्रोच टूवर्ड समवन सो जो कि ऑर्गेनाइज्ड होता है या हम कहेंगे रिलेटेड बिहेवियर हम दे चेक करते हैं इसमें दूसरों अदर पर्सनस के साथ नेक्स्ट हम बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की जो कल्चर है ये प्रोडक्ट हैं बिहेवियर्स का सो so, जो कल्चर हैं जो भी हम लर्न करते हैं विद इन द कल्चर जो कि फिर प्रोडक्ट बनता है हमारी बिहेवियर के लिए एज ए पर्सन हम इसमें डिटरमाइन करते हैं कि एक पर्सन कैसे बिहेव करता है कैसे उसके अंदर वो चेंजेस आती हैं कैसे वो चेंजेस को एक्वायर करता है सो so, मनी एक्टिविटीज़ हम उसमें मतलब उसके देखते हैं जैसे कि अगर हम स्विमिंग की बात करें या फीलिंग हाइड्रेड या मतलब एंगली सो या सम्फाइज सो ये सब चीज़ें हम एक्वायर करते हैं जो कि हम अपने कल्चर के ही थ्रू एक्वायर कर सकते हैं इसके अलावा हम सो वो अपने प्रीवियस बिहेवियर से भी सीखते हैं सो जिसकी वजह से जो बिहेवियर होता है मतलब प्रेजेंट बिहेवियर होता है उस पर इम्पैक्ट हमें डायरेक्टली देखने को मिलता है इसके अलावा एक्सपीरियंस uh, वो करता है अदर पीपल्स को और इम्प्रेस भी वो कर सकता है डे टू डे जब वो ग्रो अप करता है विद एनी कम्युनिटी सो इसके अलावा वो एक्वायर करता है मनी ट्रेड्स एबिलिटीज को और वो एक्वायर ग्रो करता है स्लोली स्लोली और इसके अलावा वो एक्वायर करता है पास्ट बिहेवियर को जो कि उसका अपना होता है नेक्स्ट हम बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट की कल्चर में हम इंक्लूड uh, करते हैं एक्टिविटीज़ सॉरी एटीट्यूड्स वैल्यूज या नॉलेज को सो so, uh, हम हमें इसमें स्प्रेड एरर देखने को मिलता है जैसे अगर हम लोगों की थिंकिंग की बात करें मनी पीपल ये मतलब uh, आ, मतलब उनके जो भी आइडियाज़ होते हैं जो भी उनके एटीट्यूड्स या नोशंस होते हैं जो कि उनके अपने होते हैं सो ये इजी बन रहा है हमारे लिए कि हमारे लिए ओवर एस्टिमेट करना उनकी यूनिकनेस जो कि उनको अपने ideas से या एटीट्यूड्स में देखने को मिलती हैं सो uh, जब हमें उनके मतलब दरमियान एग्रीमेंट देखने को मिलता है विद अदर पीपल सो जो कि लार्जली अन हमें देखने को मिलता है वेल ऑन द अदर हैंड अगर हम अन की बात करें जिसमें हमें डिसग्रीमेंट की बात करें जब डिसएग्रीमेंट की बात करें तो जो इंडिविजुअल होता है वो मेनली कॉन्शियस होता है रिगार्डिंग इट कहने का मतलब ये है कि जब अदर्स की परसप्शन को हम देखते हैं तो उस समय उसको हम क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं लेकिन जब हम अपनी परसप्शन की बात करें तो उस समय हम उसको नोट्स नहीं करते तो ये सब डिफरेंसेस हमें कल्चरल डिफरेंसेस देखने को मिलती हैं जैसे कि अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल कैथोलिक पर्सन और प्रोटिस्टेंट पर्सन की बात करें सो so, ये सब आ, ये एग्ज़ाम्पल हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं सो so, नेक्स्ट हम बात करते हैं जो कल्चर हैं वो इसमें हम इंक्लूड करते हैं मेटीरियल ऑब्जेक्ट्स को टूम सो so, जो मटीरियल ऑब्जेक्ट्स हैं इसमें जो भी मेन क्रिएट करता है और जो भी टूल्स वो बनाता है सो so, जो कि रिक्वायर करते हैं वेरियस स्किल्स जिसके लिए ह्यूमन बींग ग्रेजुअली बिल्ट अप जो कि ह्यूमन बींग अप करता है थ्रू द एजेस सो जो भी मैंस का बिहेवियर है वो इन्हीं ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट uh, मतलब करता है और इन्वेंट करता है सो so, सो so ये सब चीज़ें हमें इसमें देखने को मिलती हैं सो so, लेकिन uh, जो मैन uh, होता है वो एनकाउंटर करता है ये व्यूज जैसे कि वो मतलब कह सकता है कि मैंने फॉर uh, एग्जांपल कुछ बनाया लेकिन वो जो उसका मेन मटेरियल होता है वो उसने नहीं बनाया होता है फॉर एग्जांपल अगर हम स्टेट ऑफ नेचर की बात करें आ, या अगर हम स्टील की बात करें जो कि मेनली एग्जिस्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ स्टेट ऑफ नेचर जिसको फिर मैंने मॉडिफाई किया चेंज किया फ्राम वन स्टेट टू तो अनदर स्टेट उसको शक्ल दी इसी तरह अगर हम चेयर की बात करें जो कि पहले एक ट्री हुआ करता था इसके बाद उसने मतलब मैन ने उसको फिर चेयर बनाया सो जो चेयर हमें देखने को मिलती है हम हमें वो मतलब ज़्यादा आप देखने को मिलते हैं एज़ कम्पेयर टू ट्री इसी तरह अगर हम जेट प्लेन की बात करें वो पहले आयरन और थी फिर उस आयरन और को मॉडिफाई किया इंसान ने सो उसके बाद वो फिर एरोप्लेन बन गया सो इसमें हम मटेरियल ऑब्जेक्ट्स को भी इंक्लूड कर सकते हैं सेवंथ पार्ट जो है कल्चर है ये शेयर्ड होता है बाई द मेम्बर्स ऑफ सोसाइटी सिंपल सी बात है जो भी पैटर्नस हम कल्चर में देखते हैं जो कि लर्नर्ड बिहेवियर होते हैं जो डायरेक्टली रिजल्ट करते हैं बिहेवियर जो कि पॉजेस करता है खाली एक पर्सन वो फ्यू पर्सनस पोजेस नहीं करते बट यूजुअली लार्ज पोर्शन ऑफ द ग्रुप वो पोजेस करते हैं जैसे कि अगर हम पैटर्नस ऑफ बिहेवियर की बात करें जो कि फिर फॉलो करते हैं मिलियंस ऑफ पर्सनस जैसे कि अगर हम एग्जांपल की बात करें जो मिलियंस ऑफ पर्सनस वो मतलब बिहेवियर पैटर्नस जैसे कि अगर हम किस क्रिश्चैनिटी की बात करें वो यूज़ करते थे ऑटोमोबाइल्स इसी तरह वो मेनली स्पीक करते थे इंग्लिश लैंग्वेज सो so, आप देख सकते हैं आप कितने लोग इंग्लिश लैंग्वेज स्पीक कर रहे हैं इसके अलावा कितने लोग ऑटोमोबाइल्स यूज़ कर रहे हैं समटाइम्स जो पीपल हैं वो शेयर करते हैं डिफरेंट आस्पेक्ट्स ऑफ कल्चर के फॉर एग्ज़ाम्पल अमंग क्रिश्चनस जिनमें हमें मेनली कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट ये सब चीज़ें हमें देखने को मिलते हैं इसके अलावा लिबरल कम कंजर्वेशन का कन्सेप्ट क्लर्गी मैन और का कन्सेप्ट So, इसमें हमा, हमारा जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन होता है वो मेनली कल्चर नहीं होता है और उसका कोई भी आ, एक पार्ट नहीं होता है आइडेंटिकली बट बट इसके अलावा इसको शेयर किया जा, जाता है मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी को इन ए सफिशेंट एक्सटेंट इन ए लार्ज नंबर नेक्स्ट हम बात करते हैं नाइन्थ पॉइंट की जो कल्चर है, हैं ये परवेसिव हैं परवेसि मीन इसमें एक्शन और रेस्पॉन्स का कंसेप्ट हमें देखने को मिलता है सो so, जो कल्चर है ये परवेसिव हैं जो कि टच करता है एवरी एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ जो, जो परवेसिवनेस हैं कल्चर में आ, वो मैनिफेस्ट करती हैं टू वेज़ जैसे कि जो कल्चर प्रोवाइड हमें करता है जो कि अनकोश्चनड कंटेक्सट अनकोश्चनड मटीरियल हमें होता है सो विद विद इन जो भी इंडिविजुअल होते हैं वो एक्शन करते हैं वो रेस्पॉन्स रहते हैं सो so, ये सब चीज़ें नॉट ओनली अगर हम इमोशनल एक्शन की बात करें बट जो भी रेशनल एक्शनल एक्शन्स होते हैं जो कि गवर्न करते हैं जिनसे गवर्न करते हैं कल्चर नॉर्म्स को सेकेंड जो भी कल्चर प्रिवेड करते हैं इसमें सोशल एक्टिवटीज़ या इंस्टिट्यूशनस आते हैं नेक्स्ट हम टेंथ पॉइंट की बात करते हैं जो कल्चर हैं इसे हम कंसिडर करते हैं एज अ वे ऑफ लाइफ जो कल्चर हैं सिंपली इसका मतलब ये है कि ये एक वे होती है हमारी लाइफ में जिससे जो पीपल होते हैं वो डिज़ाइन करते हैं अपनी लाइफ को जैसे कि अगर हम क्लू कॉन केली की डेफिनेशन की बात करें वो कल्चर को डिफ़ाइन करते हैं कि जो कल्चर हैं ये हिस्टोरिकल डिराइवर सिस्टम है जो कि एक्सप्लिसिट और इम्पलिसिट डिज़ाइंस पे मेनली बेस्ड अपॉन होते हैं लिविंग के जो कि जिसको शेयर करते हैं ऑल ओवर द ग्रुप और जो कि स्पेशली डिज़ाइन होते हैं फॉर द मेंबर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर ग्रुप अगर हम एक्सप्लिसिट कल्चर की बात करें जो कि रेफ़र करता है विद सिमिलरिटीज़ इन वर्ड्स एंड एक्शन जिसको हम डायरेक्टली ऑब्जर्व कर सकते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल एडोलसेंट्स का हम कल्चरल बिहेवियर ऑब्जर्व कर सकते हैं या जनरलाइज़ कर सकते हैं उनके उसके ड्रेस सेटिंग से या उसके मैनरिज्म से या कन्वर्सेशन से एज़ कम्पेयरड इफ वी टॉक अबाउट इम्प्लीसिट बिहेवियर जो कि मेनली एबैसट्रैक्ट करता है इन एबस्ट्रैक्ट फॉर्म्स सो इसमें हम डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं करते हैं जो कि क्वाइट ऑब्वियस होते हैं नेक्स्ट हम बात करते हैं अलिवंथ पॉइंट की जो कल्चर है ये ट्रांसमिट होता है अमंग द मेंबर्स ऑफ सोसाइटी जैसे कि हमने बात की कि जो कल्चर में हम मतलब लर्नर्ड वेस अडाप्ट करते हैं फ्राम पर्सनस टू परसनस ये वेरी होता है ट्रांसमिट होता है सो so, जो कि हम हमारी हम हमारे थ्रू हैंड डाउन हुए हैं हमारे जो भी एल्डर्स थे या पेरेंट्स हैं या जो भी टीचर्स हैं उनके थ्रू मिले हैं सो एग्ज़ाम्पल के साथ जो भी हम लर्न करते हैं स्टाइल ऑफ ड्रेसिंग की इसके अलावा पॉलिटिकल व्यूज हम लर्न करते हैं या यूज़ ऑफ लेबर सेविंग डिवाइस हम यूज़ करते हैं सो so, किसी ने मतलब इन सब चीज़ों को आ, मतलब यूं ही एक्वायर नहीं किया बल्कि उन्होंने इन सब चीज़ों को पहले सीखा सो so, इट इसका मतलब यही है कि जो आ, किसी भी मतलब किसी भी किसी भी पास मतलब जो भी कोई स्किल है उसने उसको सीखा है या जो भी कोई हुनर है उसने उसको सीखा है इसी तरह हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें जो कल्चर है ये कंटिन्यूली हमें चेंज देखने को मिलता है सो so, ये एक फंडामेंटल और इन एस्केबल इनकेपेबल एट्रीब्यूट हमें कल्चर का देखने को मिलता है जिसकी जो स्पेशल जो कि स्पेशल क्वालिटी है कल्चर की सो uh, so ये फैक्ट है कि जो एक अनएंडिंग चेंज हमें इसमें देखने को मिलते हैं जिसमें हमें सम सोसाइटीज़ चेंज देखने को मिलते हैं कई सोसाइटीज़ जल्दी जल्दी चेंज होती हैं और कई स्लोली सो हम्स इससे हम कंपेयर करते हैं अदर सोसाइटीज़ को कि किस सोसाइटी में कितनी चेंज हमें देखने को मिलती हैं सो so, कौन सी सोसाइटी कितनी चेंज हुई हैं सो ऑल दीज थिंग्स हम इस के आस्पेक्ट में स्टडी करते हैं इसके अलावा अगर हम फंक्शंस uh, की बात करें फंक्शंस ऑफ कल्चर होप यहाँ तक क्लियर होगा अब हम आते हैं डायरेक्टली फंक्शंस ऑफ कल्चर पे एम जैसे कि ऑल ग्रुप्स ऑफ पीपल हमने देखा हमने पाया कि वाइडली जो भी बिलीफस होते हैं वो हम शेयर करते हैं या वैल्यूज़ होते हैं या रेफरेंसेस होते हैं जो कि शेयर हमें देखने को मिलते हैं और जो कल्चर की फिनोमिना है वो एक यूनिवर्सल ह्यूमन फिनोमिना हमें देखने को मिलती हैं जो कि आकर होती हैं नेचुरली जो कि फिर हम एडाप्ट करते हैं और इसी के साथ हमें मतलब हम हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन अराइज़ होते हैं क्यूरासिटी रेज होती हैं कि फंक्शन क्या, है, culture, मतलब culture क्या है? so, <coughs> है, हैं कल्चर मतलब कल्चर के फंक्शन क्या हैं सो जो सोशल साइंटिस्ट्स हैं उन्होंने डिस्कस किए हैं वेरियस फंक्शन ऑफ कल्चर उन्होंने कहा कि कल्चर और कल्चर uh, और बिटवीन और सोसाइटी के हमें बहुत सारे फंक्शन देखने को मिलते हैं जैसे कि अगर हम पहले फंक्शन की बात करें जो कल्चर हैं डिफ़ाइन करता है सिचुएशनस को कैसे ईच पर्सन के अपने अपने क्यूस हमें देखने को मिलते हैं जो कि उनके ईच सिचुएशन को डिफ़ाइन करते हैं क्यूस इट रिवील्स इनसे रिवील करते हैं कि एक पर्सन प्रिपेयर हैं वो आ, मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हैं या उसको लड़ाई हुई क्या वो फ़ाइट के लिए रेडी हैं या उसको रन करनी है क्या वो रन के लिए रेडी हैं या उसको ला करना है क्या वो ला कर सकता है इसके अलावा वो मतलब लाव लव का कंसेप्ट हम इसमें देखते हैं फॉर एग्जांपल अगर हम समन मतलब किसी भी की भी बात करें जो कि अप्रोच करता है आपके साथ आया आपको मिला उसने आपको हाथ मिलाया और इसका मतलब यही है कि आपकी सोसाइटी में कि हाथ मिलाना सिंपल शेक हैंड मीन्स जिसे हम फ्रेंडली ग्रीट कर सकते हैं एक दूसरे को सो so, ये हमें मतलब हमारी कल्चर में फैमिलियर देखने को मिलता है कॉमन देखने को मिलता है वायल अगर हम अदर सोसाइटी की बात करें फॉर एग्जांपल किसी सोसाइटी में मतलब हाथ मिलाना इससे मतलब एक दुश्मनी की निशानी या वार्निंग की निशानी होते हैं सो so, उस सिचुएशन में अगर पर्सन को नहीं पता हो, होगा सो so, वो मतलब उसके लिए ठीक नहीं होगा उस समय अगर वो हाथ मिलाएगा तो उससे मतलब दूसरे पर्सन को अजीब लगेगा so, सो बिकॉज ई सोसाइटी के अपने अपने नॉर्म्स वैल्यूज जैसे कि हमने पढ़ा और जो भी इंसल्ट और फाइटिंग वर्ड्स हैं वो डिफरेंट होते हैं नेक्स्ट हम बात करते हैं कल्चर जो है ये हमारी वैल्यूज एटीट्यूड्स एंड गोल्स को डिफ़ाइन करता है सो ईच पर्सन जो कि लर्न करता है विद इन इट्स कल्चर सो वो ये सीखता है कि क्या गुड है क्या सही है क्या ब्यूटीफुल है और जो एटीट्यूड्स वैल्यूज़ और गोल्स होते हैं उसको हम डिफ़ाइन करते हैं ओनली थ्रू कल्चर वैल अगर हम इंडिविजुअल की बात करें जो कि नॉर्मली लर्न करता है इन सब चीज़ों को अनकॉन्शियसली एज़ जो कि वो अपनी जैसे क्या वो अपनी लैंग्वेज को सीखता है इसी तरह जो एटीट्यूड्स हैं ये वो टेंडेंसीज़ हैं जिनसे जो एक ह्यूमन बीइंग एक इंडिविजुअल फील कर सकता है एक्ट कर सकता है इन सर्टेन वे इसी तरह जो वैल्यूज़ हैं वो एक मेजर्स हैं हमें देखने को मिलते हैं गुडनेस के और डिज़ायरेबिलिटी के और इसी के अलावा अगर हम गोल्स की बात करें जो कि हमें अटेनमेंट्स जो कि हमें हम अटेन कर सकते हैं इसी तरह आ, गोल्स भी मतलब हमें आ, भी हमारे जो वैल्यूज़ होते हैं वो हमारे गोल्स को डिफ़ाइन करते हैं कि हम किसके काबिल हैं नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो कल्चर है ये डिफ़ाइन करता है मिथिस लैजेंडस और सुपर नेचुरल थिंग्स को एज इफ यू टॉक अबाउट मिथिस लैजेंडस और सुपर नेचुरल थिंग्स जो कि एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हमें देखने को मिलते हैं एग्रीकल्चर में जिसे हम मतलब इंस्पायर हो सकते हैं री हो सकते हैं जो कि हमारी ब्रेम में मैट में कंफ कम्फर्ट दे सकती हैं वेदर जो कि अगर ट्रू भी हो सकती हैं बट एज सोशालोजी हम सोशालॉजी में हम उन सब चीज़ों को अनइम्पॉर्टेंट कंसिडर करते हैं जैसे अगर हम गोस्ट्स की बात करें क्या गोस्ट्स रियल हैं सो ये सब इन सब चीज़ों पे वही लोग बिलीव करते हैं जो कि इन सब चीज़ों पे एक्ट करना जानते हैं सो so, हम ये अंडरस्टैंड नहीं कर पाते किसी भी बिहेवियर ऑफ एनी इंडिविजुअल और ग्रुप को विदाउट हम उनके मिथ्स और लेंजेंड्स और सुपर नेचुरल बिलीफस को जाने सो so, जो कल्चर हमें प्रोवाइड करता है ये एक रेडीमेड व्यू हमें प्रोवाइड करता है यूनिवर्स के जो कि हमें नेचर ऑफ डिवाइन पावर देखने को मिलता है एंड इम्पॉर्टेंट मॉरल इश्यूज हम इसमें डिस्कस करते हैं जो कि विद इन कल्चर हम डिफ़ाइन करते हैं इसमें जो इंडिविजुअल होता है वो सिलेक्ट नहीं करता है किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन को बट वो ट्रेन हो सकता है इन डिफरेंट रिलीजनस अगर हम क्रिस्चेनिटी की बात करें आप बुद्धिस की बात करें इसके अलावा हिंदू मुस्लिम सो अदर ट्रेडिशन में बिकॉज इन ट्रेडिशनस के थ्रू हम आ, उन चीज़ों को आंसर दे सकते हैं जिन पर अभी तक गौर नहीं किया गया है जो कि आस्पेक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं लाइफ के नेक्स्ट हम बात करते हैं जो कल्चर हैं ये प्रोवाइड करता है बिहेवियर पैटर्नस बिहेवियर पैटर्नस जैसे कि अगर हम इंडिविजुअल की बात करें, उसको ज़रूरत नहीं पड़ती पेनफुल ट्रायल्स ऑफ लर्निंग एंड एरर के थ्रू जाना या उसे ये ज़रूरत नहीं पड़ती है मुझे कौन सा फूड uh, खाना है कौन मेरे लिए पॉइजनिंग फूड हो सकता है और uh, उसे ये भी ज़रूरत नहीं पड़ता है कि मुझे कैसे किन समाज में किस तरह रहना है बट वो एज बर एज कम्पेयर टू फिट टॉक अबाउट वो ऑटोमेटिकली रेडीमेड सेट ऑफ पैटर्नस पाता है अप, अपनी सोसाइटी में या जिस सोसाइटी में वो रहना चाहता है जिससे वो आ, मतलब सीखता है फिर और फिर फॉलो करता है सो so, जो कल्चर है ये मैप मैप आउट करता है बनाता है हमारे पाथ ऑफ मैट्रीमनी को जो कि इंडिजुअल्स ने जिनका तस्वुर भी नहीं किया होता है कि okay, बट वो बट ये जो कल्चर हैं ये एक्ट करता है एज ए पाथ और हम कह सकते हैं प्रोसीजर फॉर डियर इंडिजल्स या फिर फॉर पर्टिकुलर कम्युनिटी और सोसाइटी सो ये बहुत ही क्लियर हमें देखने को मिलता है कि जो कल्चर है ये इम्पोज करता है लिमिट्स या हमारी जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं उन पर ये लिमिट्स इम्पोज़ करता है कि आप इन रूल्स के आगे नहीं जा सकते या आप ऐसी थिंग्स नहीं आ, कर सकते सोसाइटी में सो so, अगर हम एक सोसाइटी की बात करें विदाउट अगर वो नॉर्म्स और रूल्स की बात मतलब उसमें नहीं होंगे या जिस सोसाइटी में रॉन्ग और राइट right का कंसेप्ट ये सब चीज़ें नहीं होगी सो ये एक ऐसी मतलब सिचुएशन की तरह होगी जैसे कि अगर हम एक स्ट्रीट में ट्रैवल कर रहे हैं विदाउट ट्रैफिक साइनस वहाँ पे क्या होगा जाम होगा एक्सीडेंट्स होंगे सो ये सब चीज़ें हमें उस सोसाइटी के एग्ज़ाम्पल में इंक्लूड कर सकते हैं जिस सोसाइटी में वैल्यूज लॉस नॉर्मस सो ये सब चीज़ें अगर उस सोसाइटी में नहीं होंगी एट लास्ट हम डिस्कस करेंगे कि जो कल्चर एंड सोसाइटी हैं के बिटवीन क्या रिलेशनशिप हमें देखने को मिलती हैं जो रिलेशनशिप बिटवीन सोसाइटी कल्चर और पर्सनालिटी हैं इस पर स्ट्रेस किया है रलब लिंटन ने वो ये कहते हैं कि जो सोसाइटी हैं ये एक ऑर्गेनाइज ग्रुप है इंडिविजुअल्स का जो कि सेम कल्चर से बिलोंग करते हैं या ऑर्गेनाइज लर्निंग रेस्पॉन्स हैं उनके या जो भी इंडिविजुअल्स उस पर्टिकुलर ग्रुप में रहते हैं वो एक लिविंग ऑर्गेनजम्स हम उन्हें कंसिडर करते हैं जो कि कैपेबल होते हैं अपने थाट्स के वो अपने थाट्स को जनरेट कर सकते हैं या उनकी फीलिंग्स होती हैं एक्शन होते हैं बट उनकी जो इंडिपेंडेंस हो होती हैं उन थाट्स पे एक्शनस पे वो लिमिटेड होते हैं बिकॉज आप जो भी उसके रिसोर्स होते हैं वो प्रोफाउंडली मॉडिफाइड होते हैं थ्रू द सोसाइटी या सोसाइटी ने उन पर कुछ लिमिट्स इम्पोज किए होंगे उनके थ्रू हमें वो सब चीज़ें इंडिपेंडेंट uh, देखने को मिलते हैं ऑन सोसाइटी और कल्चर जिसमें वो डेवलप होते हैं सो so, जो सोसाइटी हैं वो तब तक एग्जिस्ट नहीं करती जब तक कल्चर एग्जिस्ट नहीं होता सोसाइटी में सो so, जो सोसाइटी हैं वो हमेशा इंसान से बनती हैं इंडिविजुअल से बनते हैं और उनके ग्रुप्स से बनते हैं और जो भी पीपल होते हैं उस ग्रुप में जो भी इंडिविजुअल्स होते हैं पर्टिकुलर सोसाइटी में वो कैरी करते हैं अपने कल्चर को और उसके बाद उस कल्चर को फिर ट्रांसमिट करते हैं सो नो कल्चर एग्जिस्ट तब तक नहीं करेगा जिसको जो कि शेयर नहीं होगा इन सोसाइटी में सो so, कल्चर का कंसेप्ट हमें सदियों से मतलब देखने को मिलता है चल चलता आ रहा है चलता आ रहे हैं सो नो सोसाइटी कैन ऑपरेट जो भी सोसाइटी हैं वो ऑपरेट नहीं कर सकती उसकी कल्चरल डाइवर्सिटी के थ्रू बल्कि जो कल्चरल डाइवर्सिटीज़ हैं सोसाइटीज़ की वो उनकी पहचान होती हैं लाइक like अगर हम मैटर एंड एनर्जी की बात करें बॉडी एंड माइंड की बात करें जो कि मेनली इंडिपेंडेंट हमें देखने को मिलते हैं जिनसे मतलब जो कि इंट्रैक्टिंग थिंग्स हमें देखने को मिलते हैं जो कि एक्सप्रेस करते हैं डिफरेंट आस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन सिचुएशंस को सो so, हमेशा ये हमारे जहन में होना चाहिए कि जो भी इंटरडिपेंडेंस और रेसिप्रोकल ऑफ़ रिलेशनशिप्स हमें कल्चर और सोसाइटी के बीच देखने को मिलता है वो बहुत ही डीप देखने को मिलता है सो so, ईच को हम डिस्टिंग्विश करते हैं इन कंसेप्ट से जैसे कि अगर हम पैटर्निंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ होल सो ना कि हम इस परि पार्ट या कंपोनेंट पे से हम मतलब डिस्टिंगश करते हैं एक कल्चर या सोसाइटी को सो होप गाइस ये था आज का हमारा टॉपिक टॉपिक लंबा था सो आई होप आप क्लियर हुआ होगा नेक्स्ट टाइम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद